हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन को लेकर। किस तरह से हम हमारे बच्चे कई बार एक ही वर्ड बोलते हैं या ज़्यादा लिमिटेड सा बोलते हैं, जितना हम क्वेश्चन उसे करते हैं उतना ही आंसर, खुद से कभी इनिशिएट नहीं कर पाते हैं। या कई बार कुछ बच्चे पूरा सेंटेंस बोलने में उनको डिफ़िकल्टी होती है, कुछ एक वर्ड्स अपनी बेसिक नीड्स को ही कम्युनिकेट करते हैं और कुछ वर्ड्स पर ही रह जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? कई बार ऐसा भी, कुछ पेरेंट्स मुझे ऐसा भी कहते हैं कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में क्या हुआ वो कुछ नहीं बताते हैं। हम कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि इन सब के पीछे कुछ कारण होते हैं, कुछ ऐसी फैक्टर्स जो हमारे कम्युनिकेशन को, हमारे कन्वर्सेशन को अफेक्ट करती हैं और उनके ऊपर बेस्ड रहता है हमारा कम्युनिकेशन। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हमारी सोचने और समझने की वो शक्ति है जो हमें दूसरों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है ये बताती है, और डिफरेंट सोशल सिचुएशंस में किस तरह से हमें मीनिंगफुली बिहेव करना है या इंटरेक्ट करना है। ये सब चीज़ें हमारे में नेचुरली आ जाती हैं, हम नेचुरली इन चीज़ों को पिक कर लेते हैं। लेकिन जिन बच्चों को सोशल डिफ़िकल्टीज रहती हैं, चाहे ऑटिज़म की बात करूँ या फिर ADHD, या जिन बच्चों को सोशल स्किल्स को लेकर भी डिफ़िकल्टीज होती हैं, अक्सर उन्हें अपनी बातें कहना नहीं आता है, खुद को एक्सप्रेस करना नहीं आता है, जिसकी वजह से बच्चे कुछ एक वर्ड्स पर रह जाते हैं और बच्चों में आगे चलकर बिहेवियर इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। ऐसे में हम बच्चों की उन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पर काम करेंगे जो कि बच्चों में होनी ज़रूरी हैं एक कम्युनिकेशन के लिए। हम बच्चों से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट तो करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कम्युनिकेशन भी कुछ के लिए भी कुछ फाउंडेशन स्किल्स बच्चों को चाहिए होते हैं, जो कि अक्सर बच्चों में जिनको लेकर डिफ़िकल्टी रहती है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होता है या कॉग्निटिव एबिलिटी की बात करूँ, वो है हमारा अवेयरनेस होना, हमारे आसपास के माहौल को लेकर हमारा बच्चा कितना अवेयर है। कई बार हमारे बच्चे अपने आप में ही इतना लॉस्ट होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि वो कहाँ पर बैठे हुए हैं। चाहे मैं स्कूल की बात करूँ, अकेले अपने आप से खेल रही हैं, आसपास बच्चे क्या कर रहे हैं या आसपास लोग क्या कर रहे हैं, इस बात से बिल्कुल अनअवेयर होते हैं। ऐसे में बच्चों को सोशल सेटिंग के बारे में बताना और समझाना ज़रूरी है कि हम कहाँ पर हैं। ये चीज़ें बच्चों को सोशली अवेयर करती हैं कि मुझे, मैं अगर स्कूल में हूँ तो मुझे किस तरह से बैठना है या क्या करना है, मुझे टीचर की बात को सुनना है, मुझे अपने पीयर ग्रुप को देखना है। ये सब चीज़ें जब बच्चे मिस कर जाते हैं, अपने आप में लॉस रहने लगते हैं, तभी बच्चे को सीख नहीं पाते हैं अपने आसपास के माहौल को लेकर अवेयर रहे, उनमें वो लिसनिंग स्किल्स आएँ जो ज़रूरी हैं। उनमें हमें बोलने के लिए लिसनिंग स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम पहले सुनते हैं और फिर बोलते हैं, इसलिए ये स्किल पर भी काम करना उतना ही ज़रूरी है। हम वर्कशीट के साथ में बच्चों के साथ इन चीज़ों पर काम कर सकते हैं, जो मेरी मैगजीन में भी रहेंगी, देखते हैं बच्चे को कि कोई क्या कर रहा है। ये चीज़ें भी बच्चों को सोशली अवेयर करती हैं और हेल्प करती हैं जानने में कि दूसरे उनके पीयर ग्रुप के बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब बच्चे देखते हैं तभी सीख पाते हैं क्या है, ये नंबर टू क्या कर रहा है, नंबर वन क्या कर रहा है। हम बच्चे से पूछ सकते हैं, अगर वर्बल है बच्चा तो बोलकर बता सकता है, नहीं तो आप उसे दूसरी फॉर्म में पूछ सकते हैं कि कौन सा बच्चा है जो रीडिंग कर रहा है, बच्चा आपको पॉइंट करके बताएगा। अब मैं बात करूंगी लिसनिंग की, कि बच्चे आपकी बात को कितना ध्यान देते हैं, क्योंकि उनका सुनना ज़रूरी है। छोटी सी एक्टिविटी आप बच्चों के साथ घर पे कर सकते हो कि ब्लू को हम नंबर फोर में रखेंगे, बच्चे को आपकी बात को लिसन करना है। टू में हम रखेंगे ऑरेंज को, बच्चे को टू में ऑरेंज को रखना है। नंबर वन में हम ग्रीन को रखेंगे और नंबर टू में हम येलो को रखेंगे। इसका मतलब यह है कि बच्चे ने आपकी बात को ध्यान से सुना है, वो फोकस कर पाया है लगातार और उसने उस काम को पूरा भी किया है। ये सिंपल सी एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है, इस पर आप काम कर सकते हैं। आप चाहें तो नंबर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप चाहें तो प्लस माइनस करके बच्चों के अटेंशन पर काम कर सकते हैं। तो ये वेरिएशंस आप ला सकते हैं, क्रिएटिव बन सकते हैं आप, क्रिएटिविटी से बच्चे बहुत सीखते हैं। ऐसी एक वर्कशीट ले सकते हैं आप बच्चों को सिखाने के लिए कि उसकी कमांड फॉलोइंग पर काम कर रहे हैं, साथ में आप बच्चे की सोशल अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं। पहले आप पूछ सकते हैं कि कौन सी जगह का सीन है, ये बीच का सीन है, देखो इसमें बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, बताकर कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, ये चीज़ें आप बताकर बच्चे के कमांड फॉलोइंग पर काम कर सकते हैं। इसमें कुछ पिक्चर्स होंगी जो वर्कशीट के साथ में, जो मेरी मैगजीन में आपको मिलेगी। आपको उसे बोलना है कि पुट द आइसक्रीम ऑन द बॉयज़ हैंड, आप बच्चे को आइसक्रीम का पिक्चर लेना है और ये बॉय के हैंड में रखना है। इसी तरह से पुट द हैट ऑन द सैंड कैसल, सैंड कैसल के ऊपर हैट को रखो, ये सैंड कैसल है और इसके ऊपर हैट को रखना है। अगर आपका बच्चा नहीं कर पाता तो आप उसे समझा सकते हैं। ये चीज़ें भी बच्चों में
उन स्किल्स को डेवलप करती हैं जो कन्वर्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आप नेक्स्ट स्किल की जो मैं बात करने वाली हूँ या कॉग्निटिव एबिलिटी मैं कहूँगी, वो है अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ पर पूरी तरह से ध्यान देना। बच्चे अक्सर ध्यान नहीं दे पाते हैं, इस वजह से भी वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं कन्वर्सेशन को। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें किस तरह से कन्वर्सेशन को सस्टेन करना है, उस पर ध्यान लगा कर रखना है, दूसरों की बात को सुनना है और अपनी बात को बोलना है। ये एक चीज़ हमें अटेंशन की वजह से ही हम कर पाते हैं। अटेंशन स्किल्स पर आप घर पर ईजिली काम कर सकते हैं। ये मैंने सर्कल बनाया है। पहला जो अटेंशन जो है, फर्स्ट टाइप का अटेंशन होता है जिसे हम कहते हैं फोकस अटेंशन। फोकस अटेंशन में हम सिर्फ बच्चे को बोल रहे हैं कि सर्कल के बीच में फ्लावर्स को रखते जाओ, इस तरह से बच्चे को इस तरह से ही बनाते जाना। फोकस्ड है बच्चा कि उसे पता है कि मुझे इसी के ऊपर ही रखना है। दूसरी एक्टिविटी मेरी बेस्ड है सस्टेन अटेंशन पर। सस्टेन अटेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ पर अटेंशन को तब तक रखना जब तक कि वो टास्क हमारा पूरा नहीं होता। जैसे कि ये येलो मैंने एक एंड पर रखा है, दूसरा येलो रखा है, और बच्चे को इस तरह से मूव करके लेकर जाना है और इसके साथ मैच करना है। इस तरह से आप और भी ऐड कर सकते हैं, ब्लू ऐड कर सकते हैं, ब्लू को ब्लू के साथ लेकर जाना या रेड के साथ रेड को लेकर जाना। ये चीज़ भी बच्चों में सस्टेन अटेंशन को, ऐसी एक्सरसाइजेज बहुत इंप्रूव करती हैं। थर्ड टाइप का अटेंशन होता है शिफ्टिंग अटेंशन। अटेंशन को शिफ्ट करना, शिफ्ट का मतलब है कि जैसे ये पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, बच्चे ने इसे देखा कि ऊपर इसके येलो है, बच्चे को यहाँ येलो रखना है, फिर इस जगह पर ऑरेंज है, बच्चा शिफ्ट कर रहा है कि यहाँ से देख रहा है और यहाँ पर वो खुद से कर रहा है, अटेंशन शिफ्ट हो रहा है उसका लगातार यहाँ से यहाँ तक। तो ये शिफ्टिंग अटेंशन पर इजीली आप इस एक्सरसाइज के साथ वर्क कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में मैं काम कर रही हूँ डिवाइडेड अटेंशन पर। डिवाइडेड का मतलब है कि बच्चे का ध्यान एक साथ कई चीज़ों पर होना। चार सर्कल्स हैं जिसमें मैंने अलग अलग कलर्स रखे हैं। बच्चे को कलर आप देंगे और बच्चे को उसे देखकर स्कैन करना है विजुअली और उस सही जगह पर उसे मैच करना है। देखने में ये एक्टिविटी सॉर्टिंग एक्टिविटी की तरह है, लेकिन ये थोड़ी अलग है। सॉर्टिंग में बच्चे अपनी मर्ज़ी से कलर्स एक साथ लगा देते हैं, जैसे सभी रेड उठाए और रेड में लगा दिए उसने, लेकिन बच्चे सभी चीज़ कलर्स को स्कैन नहीं करते हैं। इस एक्टिविटी में मैं थोड़ा डिफरेंट कर रही हूँ। आप सिंपली उसके सामने रखेंगे नहीं, आप एक एक करके देंगे ताकि बच्चा सभी जो सर्कल्स हैं उनको नोटिस करें कि उनमें ये कलर कहाँ पर जाएगा। जिन बच्चों को ASD रहता है या जिन बच्चों को ADHD है, उनके लिए कुछ ऐसी ब्रेन एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं जिससे हम बच्चों के अटेंशन पर काम कर सकें। ये सिंपल सी वर्कशीट मैंने ली है बच्चों के रिसेप्टिवली, उनकी वोकेबुलरी पर काम करने के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग पर काम करने के लिए और उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज पर काम करने के लिए जो ज़रूरी हैं कम्युनिकेशन के लिए। हर एक नंबर रूम को दिया गया है। ये पार्ट्स ऑफ हाउस हैं जिनकी नॉलेज होना बच्चे को ज़रूरी है। बच्चों को बताना कि ये देखिए बेडरूम है, ये लिविंग रूम है, इस तरह से हर रूम के बारे में बताना और उसके रिगार्डिंग बच्चों को क्वेश्चन पूछना कि इज़ नंबर 4 ए बेडरूम, तो बच्चा बोल सकता है नो, वेयर इज़ बेडरूम, आप उसे पूछ सकते हैं और बच्चा पॉइंट करके बता सकता है। अगर नॉन वर्बल है तो पॉइंट करके बताएगा, अगर वर्बल है तो उसे कोशिश कीजिए बुलवाने की कि ये बेडरूम है। नेक्स्ट चीज़ जो है बच्चे की थिंकिंग स्किल्स पर काम कर सकते हैं कि हम सोते कहाँ पर हैं, क्या हम लिविंग रूम में सोते हैं या क्या हम वॉशरूम में सोते हैं, ये चीज़ें बच्चों को पूछना। अगर हम यहाँ नहीं सोते तो कहाँ सोते हैं, तो बच्चा आपको बता सकता है कि हम बेडरूम में सोते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस करना। इसके अलावा आप बच्चे को पूछ सकते हैं कि डाइनिंग रूम में कितनी चेयर्स हैं, हाउ मेनी चेयर्स आर इन द डाइनिंग रूम, तो डाइनिंग रूम की चेयर्स को काउंट करना। मेक श्योर कि बच्चा हाउ मेनी का कॉन्सेप्ट जानता हो इस एक्टिविटी के लिए। तो इस तरह से आप एक ही एक्टिविटी को कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में मैं स्टोरी टेलिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ पिक्चर्स को, पिक्चर सीक्वेंस में रखना। मैंने ब्लॉक्स बनाए हैं अलग अलग, उसमें 1, 2, 3, 4 इस तरह से सीक्वेंस दिया है और बच्चे को मैं बोलूँगी, सेंटेंस पढ़ूँगी, रीड करूँगी और बच्चे को उससे रिलेटेड पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और उसमें रखना है। बारी बारी से मैं सेंटेंस बोल रही हूँ और बच्चे को उसे लॉन के ऊपर खेलने लग गया चढ़कर, जी माउस कहाँ पर है, फिर दोनों अच्छे दोस्त बन गए इसके बाद। तो ये पूरा स्टोरी को बनाना और ये जो चीज़ें हैं आपको बच्चों को हेल्प करती है सीक्वेंसिंग को जानने में और उस स्टोरी को समझने में इजीली, जो बच्चे नॉर्मली नहीं समझ पाते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉग्निटिव एबिलिटी की, जिसे हम कहते हैं मेमोरी। मेमोरी मीन्स याददाश्त। याददाश्त हम कितना याद रख पाते हैं चीज़ों को। एक होती है सेंसरी मेमोरी कि किसी चीज़ को हमने छुआ तो हमें पता होता है कि ये सॉफ्ट है, या बिना छुए हम जान जाते हैं कि ये चीज़ सॉफ्ट होगी, कॉटन है, हमें पता है कि वो सॉफ्ट है क्योंकि हमें उसका टच याद है।
इसी तरह से ऑडिटरी, ये सब सेंसरी मेमोरीज होती हैं। ऑडिटरी का हमें याद होना कि वाटरफॉल की साउंड कैसी होती है या डॉग की आवाज़ कैसी होती है, ये चीज़ें आप बच्चों को अलग अलग सुना सकते हैं और उसकी इस स्किल पर वर्क कर सकते हैं कि किस चीज़ की आवाज़ है। अलग अलग तरह की डिफरेंट साउंड सुनाना और बच्चे को पूछना कि किस चीज़ की साउंड है, आप उसकी और सेंसरी मेमोरी पर काम करते हैं। एक और चीज़ जो है कि हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी की अब बात करूँगी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का होता है मतलब कि थोड़े टाइम पहले कही हुई बात को याद रखना, और लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब होता है काफ़ी घंटों पहले कही हुई बात को याद रखना या हुई बात जो बात हो चुकी है। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में क्या होता है वो बता नहीं पाते हैं क्योंकि बच्चे सिक्वेंस नहीं कर पाते उन चीज़ों को। दूसरी चीज़ है बच्चे दिमाग से बच्चों के निकल जाती हैं वो चीज़ें कि क्या हुआ था स्कूल में। ऐसे में हम बच्चों को पिक्चर सिखा सकते हैं। बच्चों को यह सिखाने के लिए कि वे स्कूल की बातें आपको बताएं, ज़रूरी है कि बच्चे जो एक्टिविटी स्कूल में करते हैं उनकी कटिंग्स आप लीजिए और बच्चे को घर की एक्टिविटीज़ के साथ उन्हें मिक्स कीजिए और बच्चे को वो पिक्चर सॉर्ट करके बोलने के लिए बोलिए कि आप स्कूल में क्या क्या किया आपने। ये चीज़ें भी बच्चों को हेल्प करती हैं समझने में कि उन्होंने स्कूल में क्या किया था। धीरे धीरे बच्चे इन चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, जैसे कि टीवी अगर घर पर देखते हैं, बुक्स हम सोते हम घर पर हैं, पढ़ते हम स्कूल में हैं, ये सब चीज़ें। इसके बाद आप इमोशंस के बारे में बच्चों को बोल सकते हैं कि आपने स्कूल में कैसा फील किया, आप हैप्पी थे या सैड थे। ये विजुअल क्यूज़ बच्चों को हेल्प करते हैं उन्हें रिमेंबर करने में कि स्कूल में उनके साथ क्या हुआ या स्कूल में उन्होंने क्या किया। धीरे धीरे इन विजुअल क्यूज़ को भी आप फेड कर देंगे, बच्चे आपको खुद से बताना शुरू कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें बच्चों को हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बच्चे हमें वो सारी चीज़ें एकदम से बता देंगे, हमें उन्हें ये सिखाना पड़ता है। ये चीज़ें होती हैं बच्चों की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी पर काम करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चे चीज़ों को भूले नहीं, चाहे वो मैं एकेडमिक की बात करूँ या किसी भी चीज़ को लेकर याददाश्त का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये पैटर्न आप देख रहे हैं, मेमोरी पर काम करना हो तो बच्चे को आप पैटर्न दिखाइए और उसे सेम एकदम से हाइक कर दीजिए और उसे सेम पैटर्न बनाने के लिए बोलिए। पूछ सकते हैं आप कि कैसे पैटर्न बना हुआ था, पहले कौन सा कलर था, उसके बाद कौन सा कलर था। बच्चा सेम उस पैटर्न को नोटिस करे और उसे याद करके बनाए। आप बच्चे को बोल सकते हैं देखो पहले ग्रीन है, फिर ब्लू है, यहाँ पर ऑरेंज है, यहाँ पर ब्लू। बच्चों के मेमोरी स्किल्स पर काम करने के लिए वर्कशीट्स को भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि मैंने पिक्चर ली है, स्कूल की पिक्चर है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स स्कूल बिल्डिंग के बताए गए हैं। कैंटीन है, क्लासरूम्स हैं, आर्ट रूम, म्यूज़िक रूम, ये सभी चीज़ें, लाइब्रेरी। बच्चों को हम पूछ सकते हैं कि आप कौन सी एक्टिविटी कहाँ पर करते हैं, जैसे कि खाना, खाना आप कहाँ खाते हैं। कैंटीन में हम खाना खाते हैं, देखो ये एप्पल बना हुआ है, ये ईटिंग का साइन है कि इसका मतलब है कि हम यहाँ खाना खाते हैं। या आप खेलते कहाँ पर हो, स्पोर्ट्स कहाँ पर प्ले करते हो, तो बच्चे प्लेग्राउंड को बताएं कि ये प्लेग्राउंड में। सिंपल वर्कशीट्स के साथ में आप बच्चों के इन इम्पॉर्टेंट स्किल्स पर काम कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगी बच्चों के थिंकिंग स्किल्स पर काम करने की, लॉजिकल रीजनिंग पर काम करने की, कि बच्चों की समझ पर काम करना। क्योंकि बच्चे अब जब हम बात करते हैं तो हम अपनी समझ को यूज़ करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं किसी चीज़ को तब आंसर करते हैं। ये चीज़, ये स्किल बच्चों में अक्सर कम रहता है, बच्चे कॉग्निशन को कम यूज़ करते हैं, जो उन्होंने चीज़ सुनी है लगातार वही बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज को अपनी बातों को कहना उन्हें नहीं आता है। ऐसे में बच्चों के थिंकिंग स्किल्स पर काम करना ज़रूरी है कि बच्चे अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाएँ, बच्चे सोच पाएँ कि मुझे क्या बोलना है। उनके सोचने, उनके समझने की शक्ति पर, उनके स्किल्स पर काम करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में हम ड्राइंग कंक्लूजन जैसी एक्टिविटी करवा सकते हैं। आईक्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मैंने पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि एक अगर आप मार्केट गए हैं और एक चीज़ आपको कहीं से नहीं मिली है तो आप क्या करोगे, तो बच्चे का आंसर क्या होगा कि क्या वो घर चला जाएगा या फिर वो दूसरी शॉप पर जाकर उस चीज़ को ढूंढेगा। ये चीज़ बच्चों के सोचने की शक्ति को इम्प्रूव करती है, ये चीज़ें कि बच्चा कितना समझ पाता है, सोच पाता है, डिफरेंट सोशल सेटिंग्स में किस तरह से बिहेव करना है या मुझे इस वक्त पर क्या करना है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। टेबल पर बहुत सारे गिफ्ट्स पड़े हुए हैं, एक बच्चे से पूछ रहे हैं कि केक कब काटोगे, बहुत सी पार्टी हैट्स हैं जो बच्चों ने पहनी हुई हैं, तो क्या हो रहा है वहाँ पर, व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। आप बच्चे को पूछ सकते हैं, ये छोटे छोटे चीज़ों को जोड़कर, जो बच्चे डिटेल्स को जोड़कर जो एक चीज़ को कंक्लूजन पर पहुँचना जिसे हम कहते हैं, वो एक चीज़ बच्चा आइडिया लगाए कि हाँ बर्थडे पार्टी के बारे में बात करें आप। ये चीज़ें बच्चों के थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं। बच्चों को क्रिएटिविटी सिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे क्रिएटिव कम होते हैं। बच्चे एक चीज़ को एक ही तरह से यूज़ करना समझते हैं। बॉटल में हम सिर्फ पानी पी सकते हैं, हम बच्चे को दिखा सकते हैं कि बॉटल में हम फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, या फिर हम न्यूज़पेपर को क्लीनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इससे बच्चों में थिंकिंग स्किल्स बढ़ते हैं, बच्चों की इमेजिनेशन एक्सपेंड होती है, जो कि बच्चों में कन्वर्सेशन के लिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें
इसके लिए आप बच्चों को हाइड एंड सीख खेल सकते हैं बच्चों के साथ, इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। अब मैं बात करूँगी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग की, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग का मतलब होता है कि प्लान करना, सीक्वेंस करना चीज़ों को और उस टास्क को पूरा करना, ब्रेक करके उसे पूरा करना, इजी स्टेप्स में ब्रेक करना। कोई भी चीज़ है, जब हम रात को ही प्लान कर लेते हैं कि हमें सुबह यही चीज़ें करनी है और उस हिसाब से हम टाइम की सेटिंग भी करते हैं, लेकिन जिन बच्चों को ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में या एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स में प्रॉब्लम रहती है, वो बच्चे ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं। ऐसे में बच्चों के इन स्किल्स पर काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम वर्कशीट के साथ में या कुछ एक्सरसाइजेस के साथ में इन स्किल्स पर ईजिली घर पर ही काम कर सकते हैं। हम बच्चे को ऐसी वर्कशीट दे सकते हैं कि शी इज़ एना, ऑन मंडे शी रीड्स बुक्स, ऑन ट्यूजडे शी राइट स्टोरी, ऑन वेडनेसडे शी स्टडीज़ इंग्लिश, ऑन द मंडे को क्या करती है, मंडे को बुक्स को रीड करती है, बुक्स की पिक्चर है बच्चे को यहाँ लगानी है, मंडे को रीड करती है। बच्चे को सीक्वेंस में उन पिक्चर्स को लगाना कि हर दिन में वो क्या करती है। ऐसे सिंपल वेज में आप बच्चों के एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं कि किसी दिन का प्लान क्या करना है, किसी दिन को हमने क्या करना है। चीज़ें बच्चों को बहुत हेल्प करती हैं उनके इन स्किल्स को, उनकी डेली लाइफ को इजी बनाने में और उनमें वो ज़रूरी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करने में, जो कन्वर्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर